चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, आपका हमारी न्यूज चैनल में हार्दिक स्वागत है। बड़ी खबर है जहां पुत्र मोह में हुड्डा ने कुमारी शैलजा का हक भी मारा। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। करनाल से लोकसभा सांसद संजय भाटिया ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर बड़ी टिप्पणी करते हुए कहा है कि चाहे प्रदेश अध्यक्ष के पद की बात हो या राज्यसभा सांसद बनाने की बात, हर जगह हुड्डा यही सोचते हैं कि मेरे ही परिवार का अधिकार होना चाहिए। कुमारी शैलजा लेकिन पुत्र मोह में हुड्डा ने उसका हक मारा। अशोक तंवर को अभी कभी राजनीति में उभरने नहीं दिया। हर जगह पुत्र मोह पार्टी हित पर भारी दिखा। भाटिया ने कहा कि आज चाहे कांग्रेस हो, ममता बनर्जी की पार्टी हो, मुलायम सिंह की पार्टी हो या केजरीवाल की आम आदमी पार्टी, सभी पार्टियों में परिवारवाद की राजनीति हावी है। जहां जहां पारिवारिक महत्वाकांक्षाएं होगी, चाहे राजनीति दल हो या धार्मिक सामाजिक संगठन, इसका अंत अच्छा नहीं हो सकता। आज भाजपा के भावी अध्यक्ष या प्रधानमंत्री के बारे में अनुमान नहीं लगाया जा सकता, लेकिन किसी भी व्यक्ति से कांग्रेस के प्रधानमंत्री के बारे में पूछेंगे तो यही जवाब आएगा कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या सोनिया गांधी। इसलिए इन पार्टियों का अंतर कलह समाप्त नहीं हो सकता। फिलहाल संजय भाटिया ने यह कहा है कि दीपेंद्र हुड्डा को मुख्यमंत्री, प्रदेशाध्यक्ष और राज्यसभा का मेंबर बनाने या पुत्र मोह कहें तो हुड्डा ने कुमारी शैलजा का हक मारने के ऊपर तुले हुए हैं। वही हाल अशोक तंवर का था, जहां अशोक तंवर को पार्टी में रहते कभी उभरने नहीं दिया। बने रहे चैनल के साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।